राम राम जी। यार क्या आवाज आ रही है, आ भी रही है कि वैसे ही वक्त कट रहा है। आज मैं दिखाऊंगा अपने पूरे दिन का सिस्टम, पूरे दिन की दिनचर्या। आते ही ना लाइफ ऑफ इंडियन वर्किंग इन जापान। अपना खाना पीना नहाना और निकालना सब। अरे नहीं नहीं वो सब थोड़ी दिखाऊंगा, इतना पगलैट नहीं हूँ भाई मैं यूट्यूब के चक्कर में। हाँ तो मेरा दिन शुरू होता है सुबह के 6 बजे से। उठिए, पानी वानी पी के थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर करते हैं सिस्टम, करेंगे दिन की शुरुआत बहुत टफ की। बाहर का चलना देखते हैं। बाजी की थोड़ी सी दौड़, आ गया बाहर थोड़ी सी रनिंग वनिंग करके, और इससे पहले मंजन मारना है। मेरे पास यहाँ पर बाथरूम नहीं है, मतलब बाथरूम है वो नहीं है, वॉश बेसिन नहीं है, तो मैं कन्वीनियंस स्टोर जाके ब्रश करता हूँ सुबह। उसके बाद क्योंकि नहाने की जगह अलग है, वहीं पे ही ब्रश व्रश करने की जगह है, तो पहले वहाँ ब्रश करने जाओ, फिर वापस आओ, फिर नहाने जाओ, वहाँ पे लोग होते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं सिर्फ एक ही बार जाता हूँ दिन में, उसके उससे पहले ब्रश करने वहाँ जाता हूँ कन्वीनियंस स्टोर। डे स्टार्ट्स नाउ। या तो मैं सुबह उठता आराम से और नहा, वहीं जाकर नहा धो के ब्रश व्रश करके अपना सीधा ऑफिस चला जाता, पर यार वर्कआउट ज़रूरी है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ेगी। वापस अब चलेंगे नहाने। कच्छा तौलिया और अपने ले लिए। नहा धो लिया मस्त, अब कपड़े वपड़े पहन के खाना वाना खा के ऑफिस। ये भी टाइम हो रहा 8-10 बज रहे हैं, मुझे 9 बजे का मेरा ऑफिस है, तो मैं वहां पे 5-15 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ, 1 मिनट की दूरी पे ही है, यही एक एडवांटेज है यहाँ पे रहने का। तो ये तो है टाइम, आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं। ये सैंडविच ये मैंने कल ही खरीद लिए थे सुपरमार्केट से सुबह के लिए, ये खा के फिर जाएंगे। ये तो जापान में रेडीमेड जो सैंडविच होते हैं ना, वेजिटेरियन वाले सैंडविच तो आते नहीं, मिक्स में हैम, किसी में चिकन, अंडे वाले होते हैं, फिश वाले होते हैं, ट्यूना फिश। 8:30 बज के जल्दी से 15 मिनट में रेडी होके पार।
अब चलते काम पे, आज लगा देंगे आग। बारह बज गए, 12 बजे होता है ब्रेक, 12 से 1 बजे का लंच टाइम होता है। अब बाहर ही खाना खाना होता है फैमिली मार्ट जाके, वहाँ से खरीदूंगा जो लंच बॉक्स होता है और बेंतो जिसको बोलते हैं, उसमें चावल रहते हैं, चिकन रहता है, वेज नहीं होता उसमें, वेज नहीं मिलता कुछ भी, नॉन वेज ही नॉन वेज होता है सिर्फ, जो कंपनी का खाना रहता है ना उससे हेल्दी होता है फास्ट फूड से। तो हो गया खाना वाना, अब जाओ वापस ऑफिस, 1 बजे से फिर से लग जाओ काम पे, 6 बजे तक काम करो उसके बाद घर। आ गया वापस, जॉब खत्म, फेंक दो उतार के मास्क। टाइम क्या हो रहा है, ठीक टाइम पे निकल गया वैसे तो, 6 बजे तक होती है ना, 6:30 बज रहे हैं, 6:20 पे ख़त्म हुआ था और तो मेरा टाइम घर आ गया। टाइम तो 6 बजे का, पर वो अरे वो लास्ट में बातें चलने लगी, मैंने बताया था ना जापानीज कंपनी में ऐसा तो होता ही है कि यार 6 बज जाए तो इधर उधर देखना पड़ता है कि कौन उठ रहा कौन नहीं उठ रहा, कौन हिल रहा कौन नहीं हिल रहा। फाइनली 20 मिनट पे एक इंसान हिला, मैंने कि ये दिलेर, उसके पीछे पीछे फिर मैं भी निकल के आ गया, क्योंकि मैं तो अभी नया नया हूँ तो अभी तो सरपंच चाय दिखा नहीं सकता ना, थोड़ा 4-5 महीने थोड़ी चौट सी पड़ जाए मेरी, फिर मैं भी थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ प्रधानी सी, अभी तक यार कान दबा के चलना है। हाँ हो गए कपड़े चेंज, आप लोग ऐसे मास्क उतार के मत फेंकना बाहर, क्योंकि कोरोना सच में बहुत खतरनाक है और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं। आज वैसे नॉर्मली मैं घर आके कपड़े बदल के बाहर जाता हूँ, सुपर मार्केट है वहाँ से वही अपना बेंतो जो होता है जापानी स्टाइल, जो रेडीमेड मील्स ही रहती है अपना, चावल चिकन या नूडल पूडल जो सिर्फ मिक्स रहते हैं, पैक्ड रहता है वो, उसको माइक्रोवेव में डाल के दे देते हैं, वो गर्म करके 30-45 सेकंड में गर्म हो जाता है खाने लायक, रेडी टू ईट, और हेल्दी भी होता है ऐसा बोलते हैं लोग, लगता भी है हेल्दी है, पर बाहर की चीज़ें कितनी हेल्दी होती होगी, बनाने वाले तो सब फैक्ट्री में ही बनाते हैं ना, और वो फैक्ट्री में जो बना रहा है वो कितनी एहतियात बरत रहा है नहीं बरत रहा वो तो पता नहीं किसी को भी। और उसके बाद फिर मैं अपनी छोटी सी कुटिया में आके थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ, थोड़ी बहुत नहीं बोलो 3-4 घंटा लग जाते हैं, करनी पड़ती है शुरू शुरू में तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा, तो पढ़ाई करता हूँ अपने जॉब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, उसके बाद मस्त सो जाता हूँ और अगले दिन से फिर वही सेम रूटीन चालू। पर आज है छोटी दिवाली और कल है बड़ी दिवाली, और कल सैटरडे संडे वीकेंड भी भगवान की दया है, वीकेंड भी आई छुट्टी है मेरी, मैं जा रहा हूँ वापस ओसाका, जो मेरा घर था उसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने आगे करवा ही रखा था, घर तो मेरा वहाँ पर वो है अभी भी, और मस्त जाएंगे यार अपने दोस्तों से मिलूंगा, दिवाली मनाएंगे टॉप की, जो हॉस्टल में रहते हैं वो समझेंगे, जैसे हॉस्टल में रहते हैं और फिर वीकेंड पे त्यौहार पे दिवाली वाले दिन अपने घर जाते हैं ना, मेरा घर तो नहीं है पर हाँ तो दोस्त वोस्त है यार, स्वाद तो फुलाएंगे। पूरा हफ्ता यार दिमाग भन्नाया रहा था मेरे पास ना, पता अरे शोर मचा दिए कैसे ससरे, इन्हें भी चैन ना हो कतई, इन्हें में आग लग रही है, अरे बहुत शोर मचाते हैं, पुलिस भी इनसे दुखी रहती है, पब्लिक भी इनसे दुखी रहती है, ये नहीं मानते सलेंसर फाड़ के, जैसे हमारे वहाँ तो होली पे करते हैं ना, ये सारे रोज़ की रोज़ ही करते रहते हैं। हाँ तो मैं कह रहा था मेरे पास तो जॉब के लिए ऑप्शन टोक्यो का तो था, पर टोक्यो की बजाय मैंने नारा चुन लिया, क्योंकि यार मुझे ओसाका पसंद है, मुझे ओसाका में ही रहना है पूरा टाइम, मतलब मुझे ओसाका बहुत बढ़िया लगता है यार। मैं टोक्यो में भी 2 साल रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था यहाँ पर तो टोक्यो में ही रहा था 2 साल, झिक लिया मैं उससे, मुझे पता है ओसाका अच्छा है टोक्यो से, मेरे हिसाब से अच्छा है, बाकी सबकी अपनी 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 प्रेफरेंस होती है। तो नारा से कम 1-1.5 घंटे में ओसाका वापस जा तो सकता हूँ छुट्टियों, मतलब वीकेंड वूकेंड पे, टोक्यो से तो भैया बुलेट ट्रेन में आना पड़ता, वो भारी पड़ जाता है, हर बार नहीं हो सकता। पूरी दुनिया बत्ती पे आराम से रुकी हुई थी, इसके आग लग रही थी ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा हरामी रहते हैं यहाँ के ना, इनको बोलते हैं बोसोजोकू, ये बाइकर गैंग रहती है इनकी, ये लड़ाई वड़ाई भी करते हैं साढ़े, ये फाड़ देते हैं सर्वर और भग जाते हैं, फिर पुलिस में जेल वेल भी जाते रहते हैं, इन्हें शर्म नहीं है, इनके माँ बाप भी पता, इनके माँ बाप ने भी फ्री कर रखा होता घर से, भैया तुम तो हाथ में नहीं आ रहे, अपना अपने आप देखो जो भी देख रहे हो। आ गया ओसाका, 1.5 घंटा लगा पर आ गया मस्त बहुत जल्दी, ये ओसाका 8 बज रहे, लाइट जल रही चकाचक, वहाँ तो 6 बजे बंद हो जाता सब कुछ।
मैं पर सम को ना न्यू वो जो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको सच में बहुत 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 थैंक यू है, और जिन्होंने नहीं कर रखा भाई आराम से कर लेना, बाद में कोई आफत नहीं आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम।